हे गाइस, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल टेक्निकल गौरव। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो T1 5G वर्सेस रियलमी 9 5G के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स का फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हो, देन आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो वीवो T1 5G में आपको 6.58 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि Realme 9 5G में आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। वीवो T1 5G में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है, जबकि Realme 9 5G में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको अच्छी स्मूथनेस चाहिए, देन आप वीवो T1 5G को परचेस कीजिए, बिकॉज इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की जा रही है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के वेट के बारे में। तो वीवो T1 5G का वेट 187 ग्राम्स है, जबकि Realme 9 5G का वेट 188 ग्राम्स है। तो हम वेट के मामले में दोनों स्मार्टफोन लगभग सिमिलर हैं, बस 1 ग्राम का ही डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन से। दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा रहा है, जो सही से काम करता है। वीवो T1 5G में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, जबकि Realme 9 5G में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको अच्छी स्मूथनेस चाहिए गेमिंग के मतलब में, देन आप वीवो T1 5G को परचेस कीजिए, बिकॉज उसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। तो वीवो T1 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपका 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा रहा है। सेकंड, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जा रहा है। एंड तीसरा, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि Realme 9 5G में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जा रहा है। सेकंड, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जा रहा है। एंड थर्ड, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जा रहा है। एंड आप इन दोनों स्मार्टफोन से फुल HD में वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप के मामले में दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, दोनों में से आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस कीजिए, दोनों में आपको अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो वीवो T1 5G में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Realme 9 5G में आपको MediaTek Dimensity 810 का प्रोसेसर दिया जा रहा है। वीवो T1 5G में आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाता आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि Realme 9 5G में आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता आउट ऑफ द बॉक्स। वीवो T1 5G फ्रंट टच OS पर रन करता है, जबकि Realme 9 5G Realme UI पर रन करता है। वीवो T1 5G में आपको एडिनो 619 का ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जबकि Realme 9 5G में आपको माली G57 MC2 का ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। एंड दोनों ही फोन्स में आपको 5G सपोर्ट भी मिलता है। वीवो T1 5G में आपको 4GB रैम एंड 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जबकि Realme 9 5G में आपको 4GB रैम एंड 64GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में वीवो T1 5G अच्छा है, जिसमें आपको अच्छी स्टोरेज देखने को मिलती है। एंड पर्सनली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आपको गेमिंग के मतलब से अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, देन आप वीवो T1 5G को कंसिडर करें। बिकॉज अगर मैं हीटिंग के मामले में बात करूँ, तो आधे घंटे की गेमिंग के बाद में वीवो T1 5G 22.5% हीट होने लगता है, जबकि Realme 9 5G 34.2% हीट होने लगता है। तो हाँ, परफॉर्मेंस के मामले में वीवो T1 5G अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया जा रहा है। एंड हम सभी जानते हैं कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर होते हैं वो अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ MediaTek Dimensity प्रोसेसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो वीवो T1 5G में आपको सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, एंड जिसमें आपको 3.5mm के ऑडियो जैक भी प्रोवाइड किए गए। एंड सेम Realme 9 5G में भी आपको सिंगल स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए, जिसमें आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए। ऑडियो क्वालिटी के मामले में दोनों फोन्स अच्छे हैं, आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिलती है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है। तो बैटरी के मामले में दोनों फोन्स अच्छे हैं। अगर आपको एक अच्छा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, दोनों ही फोन्स अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस के बारे में। तो वीवो T1 5G का प्राइस 14,499 रुपये है, जबकि Realme 9 5G का प्राइस 14,480 रुपये है। यानी कि लगभग दोनों स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो सेम है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। से अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले, अच्छी स्मूथनेस मिले, देन आप वीवो T1 5G को परचेस कीजिए। अदरवाइज आप Realme 9 5G को परचेस कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आप दोनों ही फोन्स में से किसी भी फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ, तो आप वीवो T1 5G के साथ में जाइए। तो यही था इन दोनों स्मार्टफोन्स का फुल कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।